अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्रिएटिंग लिंक्स। अब लिंक्स क्या होता है? चलें एक चीज़ और सीखते हैं आज लिंक्स के टॉपिक पे जाने से पहले, वो कहलाता है कमेंट्स। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको सेव एस कर लेते हैं हाथों हाथ, और इसका नाम हम रखते हैं lesson5_ creating underscore links dot html। तो लिंक्स का आज हमारा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स के मुताबिक बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये देखें मैंने अपना नाम लिखा फॉर एग्जाम्पल, और इस नाम को अगर मैं फॉर एग्जांपल जो भी मैंने कोडिंग की है इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस दबा के, या फिर फाइल में जाके भी आप सेव कर सकते हैं। तो इसको अब हम ज़रा ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है उस स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर में जाएं, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये देखें जवाब अहमद आ गया। लेकिन कमेंट्स अगर मैं इस कोड को कर दूंगा तो क्या होगा कि ये जो भी कोड होगा ये सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आएगा, ब्राउजर आपका इस कोड को शो नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसे सेलेक्ट कर लें और व्यू में जाके इसे कमेंट कर दें कमेंट। ठीक है, तो ये देखें बहुत सारे तरीके हैं कमेंट के, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो मैं इसे सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ पहले। तो ये देखें, तो ये कमेंट हो गया है, और अब मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करते हैं तो देखें कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कमेंट से क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स यूज होते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपने कोडिंग जब आप कर रहे होते हैं उसमें अगर आपने याद दहानी के लिए कुछ लिखना है, ताकि अगर आप बहुत सारी मिसाल के तौर पे हंड्रेड्स ऑफ लाइंस की आप कोडिंग करते हो, और अगर आप ये लिखना चाहते हो कि भाई ये कोड मैंने किस लिए किया था, ये कोड मैंने किस लिए किया था, कि अगला अगर कोई डेवलपर आपका कोड आकर पढ़े तो उसे बआसानी समझ में आ जाए कि भाई जनाब ये जो कोडिंग की है मैंने क्यों की है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये जो मैंने कोडिंग की है वो हेडिंग्स की है, इसके अलावा अगली जो मैंने कोडिंग की है वो फुटर की है, इसके अलावा यहाँ पर सर्विसेज की कोडिंग है, और वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इसे मैं कमेंट करता हूँ एडिट में जाके फिर से, और यहाँ पर गए और ब्लॉक कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये एक तरह से ही ये सेम ही है, बस देखें कमेंट करने का तरीका देख लें कि लेस देन साइन, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल है, और डैश डैश। ठीक है, उसके बाद डैश डैश ग्रेटर देन का साइन है, तो इस तरीके से ये कमेंट होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने जो चीज कमेंट हो गई उसे अनकमेंट करना है, पहले तो मैं इसे आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो देखें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे फिर से अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर गए एडिट में गए कमेंट अनकमेंट और ब्लॉक अनकमेंट। ठीक है, और इसे ये फिर से अनकमेंट हो गया, सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं तो ये कोड आपका ये आ गया। ठीक हो गया, और ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप चाहे जितना ही इंटर कर लें, स्पेस दे दें, कुछ भी कर लें, वो हमेशा जो है एक ही स्पेस काउंट करता है। अगर आपने मजीद कोई स्पेसेस वगैरह देना है तो वो हमने तरीका सीख लिया था कि किस तरीके से स्पेसेस दे सकते हैं, और अगर कोई नई लाइन में लेकर आना है तो हम br देते हैं सिंपल। तो चले, ये था कमेंट्स का एक छोटा सा तरीका जो कि मैंने आपको समझाना था। अब हम आ जाते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ, जिससे हम कहते हैं लिंक्स। अब देखें लिंक्स होता क्या है, इसे मैं आपको इस नोटपैड पर समझाने से पहले किसी वेबसाइट को ओपन करके जो है मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ park26.com, और इस park26.com वेबसाइट के ऊपर जो है मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर नेविगेशन दिखाई थी। नेविगेशन हमेशा आपकी लिंक्स ही होती है, हमेशा आपकी लिंक्स होंगी, ये आपकी नेविगेशन है, ये आपके लिंक्स भी हैं। कैसे लिंक्स कैसे हैं,
वो ऐसे हैं कि ये जो पेज है ये किसी ना किसी थ्रू इन लिंक्स के दूसरे पेजेस से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इस फोरम पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि एक और पेज ओपन हो जाएगा और आपको ये क्या करेगा, एक पेज से दूसरी पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये जो एक पेज से दूसरी पेज पर आप जाते हैं तो इसे लिंक कहते हैं, ये लिंक के थ्रू बनता है और इसे आप HTML के अंदर एंकर टैग कहते हैं। तो ये देखें ये फोरम का पेज खुल रहा है, तो देखें ये फोरम। अब मैं किसी दूसरे लिंक पर जाता हूं, फॉर एग्जांपल ये भी लिंक है। अच्छा लिंक की निशानी क्या है, लिंक की निशानी ये है कि अभी आपका कर्सर देखें कैसा है, ये एरो बना हुआ है, लेकिन जैसे आप लिंक के ऊपर लेके जाते हैं तो हैंड बना हुआ आ जाता है। ये देखें हैंड बना हुआ आ जाता है, ये देखें, और इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये निशानी है कि ये टेक्स्ट है। देखें आई सा बना हुआ होगी, अब आपका कर्सर, इसका मतलब ये कि अभी आप टेक्स्ट पर मौजूद हैं, कोई सा कोई मतलब कि H2 है, H3 है या पैराग्राफ है या कुछ भी है, और इस वक्त आप टेक्स्ट पर खड़े हैं। और जब ये एरो बना हुआ आ जाए तो समझे कि आप किसी भी चीज पे नहीं है, आप नॉर्मल वेब पेज देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी लिंक पर आते हैं तो ये हैंड सा बना हुआ जाता है, तो ये आप याद रखें बस। तो अब हम भी ये देखते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरीके से जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लिंकिंग जनाब दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लिंकिंग और एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी आउटसाइड लिंकिंग। अब ये मैं तीनों जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको तीनों एक एक करके मैं समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तो पहले इनको तो हम कमेंट कर देते हैं ताकि मैं नहीं चाहता कि ये हमारे ब्राउजर पे शो हो, तो इनको कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग समझने के लिए आपके पास कुछ टेक्स्ट वगैरह इतना होना चाहिए ताकि इस एग्जाम्पल को मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझा सकूं। तो इसका तरीका क्या है कि मैं एक आर्टिकल बना देता हूं, आर्टिकल का टैग, और उस आर्टिकल के टैग के अंदर मैं कुछ जो है पैराग्राफ्स ऐड कर देता हूं, ठीक है, और पी ठीक है, और ये मैं कुछ टेक्स्ट जो है ऑनलाइन ही कहीं से ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल लॉरम इप्सम, ये डमी टेक्स्ट होता है। अगर आपने मतलब कि अगर आपके जहन में नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या लिखूं तो आप ये लॉरम इप्सम से आके जो है डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं, ठीक हो गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया, और ये आगे इंटर ही कर देते हैं फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से, ताकि हमें सामने ही तमाम चीजें नजर आए और आपको भी, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और ये हैं और ये भी चले जाए। अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बहुत है, अच्छा जी। और अब हम यहाँ पर जाते हैं अपनी साइट पर और ये देखें ये बहुत सारा हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अब मैंने इंटरनल लिंकिंग करनी है और इंटरनल लिंकिंग करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि जनाब इधर मैं एक हेडिंग टैग भी लगा देता हूँ, H1 बल्कि H2 लगाते हैं, और इस H2 के अंदर हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ये टॉपिक है, इसका नाम है 1965 वॉर, ठीक हो गया, ये एक टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि एक पैराग्राफ, दो और तीन पैराग्राफ मौजूद हैं इस हेडिंग के होते हुए, इस यानी कि इस टॉपिक पे। और इसी तरीके से हम इधर भी एक हेडिंग H2 दे देते हैं और इसकी हेडिंग हम दे देते हैं 1947 वॉर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने दो हेडिंग दे दी हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं, तो ये देखें 1947 वॉर और 1965 वॉर, अच्छा ये दो हेडिंग मैंने दे दी।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि जनाब यहां पर कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल 1947 कहीं लिखा हो और यहां पे 1965 कहीं लिखा हो, जिस तरीके से ये 1500 लिखा हुआ है 1500, इस तरह का मैं लिख देता हूं। और जैसे ही कोई भी शख्स उसके ऊपर क्लिक करे 1965 वार या 1947 वार पर, वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाए। ठीक है, इस तरह का हम इंटरनल लिंकिंग का काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पैराग्राफ पर जाते हैं और यहां पर हम लिखते हैं 1947 वार और यहां पे 1500 की जगह हम यहां पे लिख देते हैं 1965 वार। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना सा लिखने से काम नहीं होगा कि मैंने अगर ये लिख दिया और 1947 वार और 1965 वार और वो मैं जो है बड़े मजे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसे एक एलिमेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा, यानी कि इनको रखना पड़ेगा ताकि वो लिंक बन जाए। ठीक है, तो उस एलिमेंट का नाम है एंकर टैग, में लेस देन साइन ए एंकर टैग। ठीक है, और इन दो इसको यहां पे क्लोज कर देता हूं। तो अब ये 1947 वार जो है एक एंकर टैग के अंदर क्या है, रैप हो गया है, यानी कि क्लोज हो गया है। अब आप अगर देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं, अच्छा इसका एक एट्रीब्यूट भी लगा देते हैं, अभी महसूस नहीं होगा आपको, href इज इक्वल टू, और मैं यहां पर उस चीज की आईडी दूंगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हैश 1947, ये आईडी मैंने दे दी। ठीक हो गया, और अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए ये ब्लू हो गया। तो और ये देखें, ये टेक्स्ट का सिंबल आ रहा है आपका माउस, और यहां पर जैसे आए तो लिंक आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने आईडी, ये जो पाउंड साइन लगाया ये निशानी है आईडी की, इसका मतलब ये है कि जनाब ये आपके इस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कोई आईडी मौजूद है जिसका नाम है 1947। तो मैं इस हेडिंग पर अब आता हूं जहां पर हमने हेडिंग बनाई थी 1947, ये रही, और इस H2 के अंदर मैं आईडी दूंगा, और इसको आईडी हम क्या देंगे, वही आईडी देंगे जो हमने ऊपर रेफर की है 1947। ठीक हो गया, इसी तरीके से अब मैं दूसरा लिंक बाद में बनाता हूं, इसे भी आईडी दे देता हूं हाथों हाथ, और इसे आईडी देते हैं हम 1965। कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर मैंने 1965 वॉर रखा था तो आप भी यहां पे 1960, मैं यहां पे एबीसीडी भी दे सकता हूं, एबीसीडी कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि एक प्रोफेशनल तरीका होता है, एक अच्छा तरीका होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसी मुताबिक उसका नाम भी रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने अपनी फाइल का नाम क्या रखा, हमने अपनी फाइल का नाम ये तो नहीं रखा ना कि लर्निंग HTML, बल्कि हमने क्या रखा, लेसन 5 क्रिएटिंग लिंक्स। तो एक पता लग रहा है कि आपने लेसन 5 के अंदर क्रिएटिंग लिंक्स वगैरह बनाना सीखे। तो अब 65 वाले को भी एंकर टैग में रैप कर देते हैं हम, और ये रहा, यहां पर आते हैं और ए, और यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया, और इसको भी एट्रीब्यूट दे देते हैं href, href स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। ठीक हो गया, और हैश देंगे पहले, हैश का मतलब है कि इस आईडी पर जाओ और उस आईडी का नाम 1965। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूं ब्राउजर को, तो देखें एक ये लिंक बन गया हमारा और एक ये लिंक बन गया। लिंक जैसे ही मैं 1965 के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखें आपका कर्सर फौरन से नीचे डाउन करके आया है और मुझे उस जगह पर खड़ा कर दिया जहां पर 1965 मौजूद था। अब मैं ऊपर जाता हूं फिर से और इसके ऊपर 1947 पर क्लिक करता हूं, तो ये देखें 1947 के ऊपर भी आ गया। तो इस तरीके से ये कहलाती है आपकी इंटरनल लिंकिंग। अब मैं चाहूं तो यहां पर भी एक लिंक बना दूं जिसे हम कह सकते हैं कि गो टू टॉप, सही है, इस तरीके से एक छोटा सा जल्दी से ये भी बना लेते हैं। तो यहां पर आते हैं और फॉर एग्जांपल सबसे नीचे ये जो है यहां पे हम कह देते हैं एंकर टैग, क्लोज एंकर टैग, और यहां पर हम दे देते हैं गो टू टॉप। ठीक है, और इसकी हम हाइपर रेफरेंस क्या देंगे, इसका हम हाइपर रेफरेंस देंगे जनाब हैश
गो टू टॉप, या आप अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं अलग अलग करने के लिए, यानी कि जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सूट करे वो आप वो नाम रखें। ठीक हो गया। अब जबकि ये मैंने हाइपर रेफरेंस दे दिया है, तो मैं अब ऊपर लाजमी बात है किसी ना किसी चीज को आईडी भी दूंगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो मेरा आर्टिकल एलिमेंट है इसको मैं आईडी दे देता हूं। आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को आईडी दे सकते हो, लेकिन आईडी का जो है असूल ये है, यानी रूल ये है कि आपने किसी, जैसे आपका शनाख्ती कार्ड होता है ना, आपका शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है, जब एक दफा किसी को एलोकेट हो जाता है तो वो किसी और को दोबारा एलोकेट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से आईडी की एग्जाम्पल है। अगर आपने किसी भी चीज को, अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे की आईडी दी थी, एक की आईडी दी थी 1947 और एक की दी थी 1965, क्या मैं इसकी आईडी भी 1965 दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक दफा जब आपने किसी एलिमेंट को आईडी दे दी तो आप दूसरे एलिमेंट को वही आईडी नहीं दे सकते। आप ये कर सकते हैं 1965 5 कर दो, ठीक है, तो कोई ना कोई चेंजेस करें, यानी कि सेम आईडी आप एक से ज्यादा एलिमेंट को नहीं दे सकते। जब आप, बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने दी शनाख्ती कार्ड की, कि आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर पूरी दुनिया में किसी और का सेम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसकी आईडी दे देता हूं गो टू टॉप, जो कि मैंने नीचे हाइपर रेफरेंस में बताई है। तो सब ये देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें ये गो टू टॉप आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो ऊपर लेकर आ गया मुझे। ठीक हो गया। तो ये तो है इंटरनल लिंकिंग। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था लिंकिंग के हवाले से, वो था एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेव बनाना सिखाई थी। अब मैं क्या करता हूं कि उस नेव को कॉपी करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैं नेव कॉपी कर रहा हूं, नेव कॉपी किया मैंने, और ये आर्टिकल से ऊपर में इसे एक एलिमेंट बनाते हैं हम हेडर। हेडर भी एक एलिमेंट है जो के बताता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट की हेडिंग पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूं आपको, एक किसी वेबसाइट को ओपन करके उसकी एग्जांपल देता हूं। इसको एक टेप दे देते हैं सेव। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं, पहले इसे देखते हैं। अच्छा, इन्हें मैं जो है एंकर टैग बनाऊंगा अभी। उससे पहले जो है ये हेडर वगैरह क्या होता है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, इस वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो चीज है, इसको बंद हो जाए, ये जो चीज है ये है हेडर, क्योंकि ये ऊपर की है, और ये जो सेंटर में आ रही है चीजें ये है आपकी सेंटर बॉडी कंटेंट। ये जो चीज साइड में एड चल रहा है इसे आप कह सकते हो कि असाइड है, ये साइड बार है। अब इस वेबसाइट के अंदर दो दो साइड बार है, ठीक है, किसी में एक भी हो सकता है किसी में दो भी हो सकते हैं। और ये पूरा कंटेंट होने के बाद ये जो नीचे की चीज कहलाती है ये कहलाती है फुटर। ठीक है, तो अभी हमने जो है जो चीज बनाई है वो क्या बनाई है, एक हेडर बना दिया हमने। ठीक है, और ये जो हमने आर्टिकल के अंदर जितनी भी चीजें डाली थी हमने अपनी वेबसाइट के अंदर, ये जो चीजें ये देखें ये हमारा हेडर हो जाएगा, और जितनी ये भी चीजें ये सारी के सारी आपकी क्या हो जाएंगी, मेन बॉडी कंटेंट। ठीक है, अभी हमने कोई असाइड नहीं बनाया इस पेज के अंदर, कोई फुटर नहीं बनाया, सिर्फ एक हेडर बनाया एज एग्जांपल, और बॉडी कंटेंट पे तो हम शुरू से ही काम कर रहे हैं। चलें जी, इसके अंदर हम लिंक बनाते हैं कुछ, और देखते हैं एक्सटर्नल लिंक किस तरीके से काम करते हैं। तो इधर में ए, और इसे क्लोज किया, और ये एक अच्छा तरीका नहीं है, तो एल आई के नीचे एक इंटर करके टैब दबाया और इसे क्लोज कर दिया। ये बेस्ट तरीका, यही स्ट्रक्चर कोडिंग कहलाती है, जो कि हमने लास्ट तरीके, जितने भी आप एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बनाओगे उसको एक एक टेप देकर आगे करो। अच्छा, और अगर सेम लेवल पे हैं, जैसे ये एलआई, ये एलआई, ये देखें ये तीनों सेम लेवल पे, तो इसको मैंने मजीद इधर टेप नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि ये सेम लेवल पे है तीनों एलआई। ठीक है, अच्छा खैर, तो इसको जो है एचआरएफ देते हैं हम। एचआरएफ देकर हम यहां पर नाम देंगे, और इसका क्या नाम देंगे, हम यहां पे देंगे questions.html। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा कि ये आपका पेज पे लेकर चले जाएगा क्वेश्चंस के। ठीक है, इसी तरीके से अब हम फोरम का बना देते हैं एक लिंक, और इसी तरीके से टैग्स का बना देते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर हम कहते हैं कि फॉरम, और यहां पर हम कहते हैं टैग्स,
ठीक है, और यहाँ पे लाजमी बात है नाम चेंज करने हमने पेज के, हम अब ये पेज बनाने वाले हैं फौरन। और याद रखें कि हमेशा आप अपने जो पेज बनाते हैं, जैसे हमने ये जितने भी लेसन के पेज बनाए थे, लेसन वन, लेसन टू, लेसन, इसमें आपने नोट किया होगा कोई भी कैपिटल वर्ड मैंने नहीं दिया था। और आप भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आप पेजेस बनाएंगे एचटीएमएल के, उसके अंदर कैपिटल वर्ड्स ना डालें, ठीक है। तो ये तीन मैंने पेजेस बना लिए, लेकिन ये पेजेस अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एचटीएमएल को पता है, लेकिन हमने अभी क्रिएट नहीं किए। तो हम ऐसा करते हैं कि ये तीनों पेजेस जो है जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं एक एक करके। तो मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू और सेव एज, और इसका नाम हम रखते हैं क्वेश्चंस डॉट एच टी एम एल। और आपने बिल्कुल सेम नाम रखना है, आपने एक भी एबीसीडी आगे पीछे कर दी तो वो लिंक सही से काम नहीं करेगा। सेव ये, और इधर मैं एच वन की एक हेडिंग दे देता हूँ, और इस एच वन की हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि जो है अब इसी को जो है मैं सेव एज कर देते हैं दोबारा, और दूसरा पेज बना लेते हैं जिसका नाम हमने रखा था फोरम डॉट एच टी एम एल, और इसको हम हेडिंग दे देते हैं फोरम, और तीसरा पेज बना लेते हैं सेव एज, और फोरम हो गया, क्वेश्चंस हो गया, तीसरा आई थिंक टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इसका नाम हेडिंग का दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक हो गया। और ये जब तीन पेज बन गए, अब रिफ्रेश करके अब देखिएगा मैं क्वेश्चन पे जैसे क्लिक करता हूं तो ये क्वेश्चंस के पेज के ऊपर चला जाएगा, ऊपर देखें ये क्वेश्चंस डॉट एच टी एम एल के पेज पर आ गया। मैं बैक करता हूं, मैं फिर से अपने पेज पर आ गया, और अब मैं फोरम पे क्लिक करता हूं तो ये देखें फोरम के उस पर आ गया, ऊपर लिंक देखें हम फोरम डॉट एच टी एम एल के ऊपर आ गए। अब एक पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं लिंक्स का। अब मैं यहां पर भी नीचे जो है एक लिंक बना सकता हूं जिसे वो कहेगा गो बैक, तो उस गो बैक के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस पेज का नाम दे दूंगा लेसन 5 _creating_links.html सिंपल। ये हैशटैग तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इससे पहले एक्सटर्नल से पहले जो है हमने इंटरनल लिंकिंग पे काम किया था, तो इस वजह से यहाँ पे हैश आ रहा है। तो अगर मैं इसे मिटा दूं और अब इंटर करूं तो देखें वो उसी तरीके से काम कर रहा है। अब फोरम पे जाते हैं, ठीक है, और पीछे आते हैं, फिर से ये उसी पेज पर आ गया। अच्छा, फाइनल हमारा टॉपिक था इंटरनल लिंकिंग हो गई, एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई, आउटसाइड लिंकिंग, जो कि बहुत आसान, सबसे आसान है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल मैं फुटर बनाता हूँ, चले फुटर बनाते हैं, और यहां पर हम कहते हैं फुटर, और क्लोज करते हैं सबसे पहले फुटर को, और फुटर के अंदर हम जनाब एक पैराग्राफ बनाते हैं, और उस पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, कॉपीराइट कॉमा ऑल राइट रिजर्व्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे कहते हैं google.com, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जनाब जैसे ही अगर कोई शख्स गूगल के ऊपर क्लिक करे google.com पे, तो google.com की वेबसाइट पे चले जाए, तो यहां पर भी हम ए टैग ही बनाएंगे, यानी कि एंकर टैग ही बनाएंगे, लेकिन google.com की पूरी वेबसाइट का लिंक देंगे। यहाँ पर ऊपर हम इस तरीके से नहीं देंगे, यहां पर हमने ऊपर वाले जो लिंक्स बनाए थे उसमें तो हमने अपने पेजेस के नाम दिए थे, ठीक है ना। तो यहां पर हम अपने पेज, यहां पे कोई पेज का नाम नहीं देंगे आउटसाइड लिंक के अंदर, बल्कि हम यहां पे href इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं google.com। जैसे ही google.com की वेबसाइट ओपन हुई, हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे यहां पे href के अंदर। ये आपका हो गया आउटसाइड लिंक, और अब हम वहां पे ही अपनी वेबसाइट पे चल के फुटर को चेक करते हैं जरा। तो ये देखें, ये आपका ऑल राइट रिजर्व बाय गूगल, और मैं अगर google.com पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये google.com की वेबसाइट पे आप आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये हमारी वेबसाइट पे नहीं खुलता गूगल, बल्कि अगली कोई न्यू टैब पर खुलता, तो आप क्या करते हैं, एक और इसका एक एट्रीब्यूट आता है जिसे हम कहते हैं टारगेट, और यहां पर आप दोगे टारगेट और इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक,
ठीक है, तो ये अब क्या होगा कि ये अगर आप गूगल डॉट कॉम रिफ्रेश करते हैं, गूगल डॉट कॉम पे क्लिक करोगे तो ये देखें अब ये दूसरे टैब पे खुला है, हमारी उसी वेब पेज पे नहीं खुला। तो दोस्तों ये लिंकिंग का एक पूरा ट्यूटोरियल था, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।